नमस्कार। किसी भी देश में कितने लोग अपने बॉडीगार्ड्स रख सकते हैं, कितने लोग साथ में बंदूक रख सकते हैं, कितने लोग गन लेना पसंद करते हैं, आपको जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड का जो सुपर पावर कहा जाता है अमेरिका, वहाँ पर एक गन कल्चर चलता है। आज हम इसी करेंट इवेंट को आपके साथ में डिस्कस करेंगे। अमेरिका के लगभग 91% लोग, 91% लोग जो हैं वो अपने साथ बंदूक रखते हैं। आपको जानकर बहुत अचरज होगा कि क्लास 8 और 9 में पढ़ने वाले बच्चे भी स्कूल गन लेकर के जाते हैं। जिस प्रकार से आप भारत में चॉकलेट और चिप्स खरीदते हैं, इसी प्रकार से अमेरिका में बंदूक की बिक्री होती है। आप किसी भी दुकान में अपना एक आईडी कार्ड दिखा करके वहाँ बंदूक खरीद सकते हैं। भारत में गन लेने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। कमिश्नर और एसएसपी, डीआईजी स्तर के पदाधिकारी इसकी जांच करते हैं, फिर देखते हैं कि व्यक्ति को क्यों जरूरी है। उसके बाद उनका बैकग्राउंड देखा जाता है। हालांकि इसका भी भारत में मिसयूज होता है और कई अपराधियों को इस प्रकार से गन दे दिया जाता है, लेकिन भारत में फिर भी ये कल्चर नहीं है कि हर घर में एक बंदूक। लेकिन अमेरिका में आप समझ सकते हैं कि 91% लोग के पास बंदूक, तो वहाँ पर ये देखिए एक बड़ा आंदोलन हुआ है वाशिंगटन में, वाशिंगटन डीसी, हम नाम बताएंगे आपको, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वाशिंगटन डीसी के नाम से वहाँ की राजधानी को जाना जाता है। और ये यहाँ पर ये दूसरा मौका है। एक बार बराक ओबामा के शपथ ग्रहण में लगभग 8 लाख लोग जमा हुए थे एक साथ, और अमेरिका में गन कल्चर का विरोध करने के लिए भी 8 लाख लोग जमा हुए। कारण क्या और क्यों गन कल्चर अमेरिका में समाप्त नहीं हुआ? अमेरिका में लगभग 250 करोड़ रुपया से बड़ा फंड प्रत्येक वर्ष वहाँ अमेरिका में रिलीज होता है। 2 लाख लोग अमेरिका में जो है गन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये बोलना कोई अचंभित करने वाला बात नहीं होगा कि अमित जिस प्रकार दूसरे देशों में इंडस्ट्रियलिस्ट सरकार को मैनेज करते हैं, अमेरिका में सरकार को गन कल्चर और गन चलाने वाले जो फैक्ट्री के ऑनर होते हैं वो मैनेज करते हैं। क्योंकि जब कभी भी इस पर आवाज़ उठती तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर एक प्रेशर डाल देते हैं। पिछले एक वर्षों में 17-18 स्कूलों में बच्चों ने शूट आउट किया। कभी आप सुनते होंगे कि बच्चों की किताब की लड़ाई में लोग गोली चला देते हैं, टीचर कभी डांट दे तो टीचर को गोली मार दी जाती है। इससे अमेरिका को जिस प्रकार से देखा गया था, आज अमेरिका गन कल्चर के जिस चक्रव्यूह बोलेंगे उसमें खुद फंस गया। यही कारण है कि अमेरिका के ज़्यादा लोग इसका विरोध कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका में अब ऐसा कानून आएगा जिसमें गन लेने पर सख्त नियम होंगे, गन का यूज करने पर सख्त नियम होंगे, और वो आसानी से कोई सब्जी खरीद रहे हैं इस प्रकार से बंदूक को नहीं बेचा जाएगा। ये अमेरिका में इस समय करेंट इवेंट में सबसे इम्पोर्टेंट खबर है जो चल रही है। 17 राज्य में वहाँ पर ये विरोध हुआ है। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं और 50 राज्य एक समझौता के द्वारा एक फेडरल स्ट्रक्चर में जुड़ गए हैं। यही कारण है कि अमेरिका में दोनों जगह का कानून चलता है, यानी कि केंद्र का भी कानून चलता है और राज्य का भी कानून चलता है। जबकि भारत से कंपेयर किया जाए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कानून ही सभी हाई कोर्ट को मानने पड़ते हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानने पड़ते हैं। लेकिन अमेरिका में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कानून होती है वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है और वहाँ के जो स्टेट के हाई कोर्ट है, दोनों के कानून में भिन्नताएँ हो सकती हैं जो भारत में नहीं है। हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे, हम आपको विश्लेषण के साथ बताते जा रहे हैं वही चीज़ें जो प्रतियोगी परीक्षा में आने वाली होती हैं। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का वेट नहीं करने देते हैं। जो चीज़ें मैगजीन में 2 महीने के बाद छपती हैं हम आपको डेली प्रतिदिन का विश्लेषण करते हैं। वैसे अंग्रेजी अखबार जिसको पढ़कर लोग आईएएस बनते हैं, सारी अखबारों से हम विश्लेषण कर रहे हैं। आपका समय बचे ये हमारी कोशिश है कि आप अखबार नहीं भी पढ़ते हैं तो घर बैठे हुए हमारा यूट्यूब चैनल देखते जाएँ, JSR विनय आईएएस अकेडमी। और झारखंड से जो लोग जुड़े हुए हैं वो झारखंड न्यूज़ को, तो सारी जानकारी आपको घर बैठे हुए मिलेगी। नमस्कार।